जी खुद भी राजी थे, तभी तो उनके ऊपर इतनी शक्ति है। जो ये ऐसी 9 दिन पूरी लेटी रहती हैं कि ना करवटें लेती हैं ना कुछ करती हैं, ऐसे कुमारी माता जी दे सकते हैं खेले हैं उसमें पूरी लेटी हुई हैं। और कितने सारे लोग इनके पैर दबा रहे हैं, सेवा वा कर रहे हैं माता जी की। कुछ श्रद्धालु लोग आए हुए थे कुमारी माता जी का दर्शन करने, पे टोटल 24 ज्योत प्रज्वलित की गई हैं। ये झूला पूरा खिलों का है, ये देख सकते हैं आपको। हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं भी जगमादी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ उताई के कास्को लोकेशन में, और जिस लोकेशन में खड़ा हूँ ये लोकेशन है कुंवारी माता जी का घर है। तो चलिए आज हम आपको कुंवारी माता जी के दर्शन कराने वाले हैं, और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस। ये रहा कुंवारी माता जी का घर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु लोग आए हुए थे कुंवारी माता जी के दर्शन करने, और जो कि दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं कुंवारी माता जी का दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। बताया जाता है कुंवारी माता जी खिलों में लेटी रहती हैं, और उनके पेट के ऊपर कलश को प्रज्वलित किया जाता है, मतलब कलश रखा जाता है और जोत जलती है उनके ऊपर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर हम लोग जूता चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। और ये देख सकते हैं ऐसा कुछ बाहर से दिखता है इनका घर, और यहीं पे उनका जन्म स्थल है, और यहीं पे वो रहती हैं। और 22 साल की हैं कुंवारी माता जी। और यहाँ पे आप नारियल जो चढ़ाना चाहते तो भाई साहब लोग यहाँ पे नारियल फूल माला ले सकते हैं, भाई लोग से खरीदी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको कुंवारी माता जी के दर्शन कराते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसा कुछ प्यार सा ये कुंवारी माता जी का कच्चा घर दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो ये है घर के अंदर का पूरा लोकेशन कुंवारी माता जी के यहाँ का, और इस साइड भी चलिए आपको पूरा इनका घर दिखाते हैं कैसा है ये पूरा घर, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये कक्ष में ज्योत प्रज्वलित की गई है, तो ये यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित हुई है, देख सकते हैं आप। टोटल कितना ज्योत है यहाँ पे? 24 ज्योत। तो गाइस यहाँ पे टोटल 24 ज्योत प्रज्वलित की गई हैं, ये देख सकते हैं आप। और पूरा ये जो घर बना हुआ है पूरा मिट्टी का घर है ये। चलिए आपको और बाहर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इस साइड आप देख सकते हैं जय माता दी, और एक फ़ोटो लगी हुई प्यारी सी, इतनी सुंदर सी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा प्यार सा फोटो लगा हुआ है। और इस साइड है दुर्गा माता जी की बहुत सारी फ़ोटो वोटो लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए कुंवारी माता जी के दर्शन करने। और इधर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग आ ही रहे हैं अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू कुंवारी माता जी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा आंगन, तो आपको चलिए आंगन घुमा देते हैं। तो गाइस ये रहा आंगन, चलिए आपको आंगन दिखाते हैं। और ऐसा कुछ ये आंगन का पूरा लोकेशन है, और यहाँ पे कुंवारी माता जी का ये है झूला, ये देख सकते हैं। तो यहीं पे कुंवारी माता जी नवमी के दिन झूले में झूलती हैं, और जो कि ये झूला पूरा खिलों का है, ये देख सकते हैं आपको सामने खिला दिख रहा होगा। तो इसी वाले झूले में कुंवारी माता जी झूलती हैं, और ये उनकी माता जी हैं, कुंवारी माता जी की माता जी हैं, ये देख सकते हैं आप। माता जी कब अष्टमी के दिन झूलती हैं झूला में? नौमी के दिन। सर्जन में जाही ना। हाँ। वो उठी वहाँ से। हाँ। अच्छा नौमी के दिन है। नौमी के दिन कितने बजे होगा? वो ज़्यादा ज़्यादा 9 बजे। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे विसर्जन जाएंगे। ओके। तो अब उनकी माता जी हैं। अच्छा। तो कब से इनको माता जी याद है, कैसा कुछ बता सकते हैं? 2012 से 8 होना चाहिए। अच्छा 2012 से। तो इनकी माता जी हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि उनको 2012 से माता जी आती हैं। और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं माता जी के दर्शन करने कुंवारी माता जी के। तो चलिए मैं भी आपको दर्शन करा देता हूँ कुंवारी माता जी का, ये देख सकते हैं। और इधर भी बहुत सारी फ़ोटो तस्वीरें वस्वीरें बनाई गई हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन ववन जला रहे हैं, अगरबत्ती उगरबत्ती जला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ ये यहाँ का कुंवारी माता जी का घर दिखता है। और यहाँ पे बजरंग बली जी विराजित हैं, और नीचे शंकर भगवान जी, ये जैसे शंकर परिवार पूरे। और ऐसा कुछ ये कुंवारी माता जी का पूरा घर दिख रहा है, मैं सोचा आपको पूरा एक बार घर घुमा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा दिखता है भाई ये घर कुंवारी माता जी का,
पूरे कच्चे मकान है, पूरे पूरे कच्चे और टीन से छाया गया हुआ है। और ये आपका खपरैल का घर है पूरा, तो ऐसा दिखता है कुंवारी माता जी का घर। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं कुंवारी माता जी के दर्शन कराने। ये देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुंवारी माता जी के दर्शन करने। ये देख सकते हैं कुछ लोग बैठे भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं कुंवारी माता जी के दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं ये सब भाई लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए कुंवारी माता जी का। ये देख सकते हैं आप, तो ये रही कुंवारी माता जी, देख सकते हैं खिले हैं उसमें पूरी लेटी हुई है और सब लोग उनकी सेवा में लगे हैं। कुंवारी माता जी के पूरी सेवा में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप भाई, ये कुंवारी माता जी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे माता जी की सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर सब दबा रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये है कुंवारी माता जी, ये है कुंवारी माता जी, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी लेटी हुई हैं खीलों के पलंग में और जोत प्रज्वलित हुई है और माता जी के कलश पेट के ऊपर, ये देख सकते हैं कलश रखे हुए हैं और पूरा उसे सीधी लेटी रहती 9 दिन, ये देख सकते हैं आप, और बिना अन्न जल के ऐसे ही आराम लेटी रहती हैं। तो ऐसा कुछ दिख रही कुंवारी माता जी, ये देख सकते हैं। और ये माता जी दोनों नवरात्रि में ऐसे ही 9 दिन के लिए पूरे लेटी रहती हैं जोत प्रज्वलित करके कलश में, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। और कितने सारे लोग इनके पैर दबा रहे हैं, सेवा वा कर रहे हैं माता जी की, देख सकते हैं आप। गाइस आप घर बैठे हमारे वीडियो के माध्यम से कुंवारी माता जी के दर्शन कीजिए, देख सकते हैं सब लोग सेवा कर रहे हैं माता जी का, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है। तो ऐसे ही 9 दिन पूरी माता जी लेटी रहती हैं, करवटें नहीं लेती हैं, बस ऐसे ही लेटी रहती हैं कुंवारी माता, और पेट के ऊपर कलश रखी है, कलश के ऊपर जोत प्रज्वलित हुई है, ये देख सकते हैं आप ऐसा। तो ये एक तपस्या से कम नहीं है और इनकी जो सेवा है बोल सकते हैं, जो विश्वास है माता जी के ऊपर उनकी कृपा ही है, तभी तो इतने दिन वो ऐसे ही लेटी रहती हैं माता जी की साधना कर रहे हैं, और उनके ऊपर माता जी खुद भी राजी है, तभी तो उनके ऊपर इतनी शक्ति है जो कि ऐसा वो लेटी रहती है 9 दिन के लिए पूरी, ऐसी उनकी साधना करती हैं माता जी, माता जी की कुंवारी माता जी। तो एक चमत्कार से कम नहीं है जो बोलते हैं कि आज के दिन में भगवान नहीं, भगवान जरूर है भाई, आप सामने साक्षात आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं साक्षात माता जी हैं कुंवारी माता जी, जो कि ऐसी 9 दिन पूरी लेटी रहती हैं कि ना करवटे लेती हैं ना कुछ करती हैं, ऐसे पूरी लेटी रहती हैं वो, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कितने लोग सेवा सत्कार में लगे हैं और कितने लोग यहाँ पे कंटिन्यू माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, कुंवारी माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ कुंवारी माता के दरबार में दर्शन करने आए हुए हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी खींच रहे हैं माता जी का साथ में। और मैंने आपको माता जी का तो दर्शन करा दिया है, तो चलिए और थोड़ा बहुत जो घर बाकी है इनका घर भी दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ ये घर है कुंवारी माता के जी का, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सब माता जी के लिए शायद खाना वाना कुछ बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हा वूल्हा बना हुआ है, ये मिट्टी का पूरा चूल्हा है, ये देख सकते हैं आप। और ऐसा कुछ ये घर दिखता है कुंवारी माता जी का, ये देख सकते हैं आप।
और इधर फूल उल का पेड़ है, ये देख सकते हैं गुड़हल का लाल वाला फूल का पेड़ है यहाँ पे। और ऐसा कुछ दिखता है ये कुंवारी माता जी का घर, ये देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कुंवारी माता जी का घर। चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं कुंवारी माता जी को, ये देखिए ये ले सकते हैं आप भीड़। इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी फोटो तो लगी हुई है कुंवारी माता का, वो देख सकते हैं आप उधर भी है। पहले जमीनों में लेटती थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनकी तपस्या सफल होती जा रही थी वैसे वैसे ये कीलों में लेटने लगी हैं, ये देख सकते हैं कीलों में पूरा लेटती जा रही हैं। आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ होता जा रहा है, जैसे जैसे शाम होती जा रही वैसे वैसे बहुत सारे भीड़ यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं माता जी के दर्शन करने, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ये देखिए माता तो गाइस मैंने आपको कातू में कुंवारी माता जी का घर उनके दर्शन कराया। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी।